और बांग्लादेश से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। हिंसा का दौर यहां जारी है और भीड़ ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर का घर भी जला दिया है। आपको बता दें कि भीड़ ने मोहम्मद अली सुमोन का घर जला दिया है, आग के हवाले कर दिया है। इसके पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया और घर का सामान भी चुरा कर ले गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर का घर जिसको आग के हवाले कर दिया, लपटें आप दूर से देख पा रहे हैं। तो बांग्लादेश पूरी तरह से एनआरकी यानी अराजकता के कब्जे में है और यहाँ उपद्रवी यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, मौत का खेल खेल रहे हैं और लोगों के घरों को फूंक रहे हैं। पूर्व सैनिकों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सेना के पूर्व अधिकारी के घर को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया है तस्वीरों में देखिए। और इन सब के बीच दूसरी तस्वीर में, इस तस्वीर में आप देखेंगे कोने में एक शख्स नजर आ रहा है, उसके पीछे से वीडियो बनाया जा रहा है, एक शख्स नजर आ रहा है और ये लोग पूरी तरह से बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले चुके हैं उपद्रवी और जहां मन कर रहा है वहां आग लगा रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई कि लोगों को जिंदा जला दिया गया और बांग्लादेश पूरी तरह अराजकता के कब्जे में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आज शपथ ग्रहण करेगी। बांग्लादेश के स्थानीय समय के मुताबिक आज रात 8 बजे शपथ ग्रहण होगा। वहीं खालिदा जिया ने रैली कर देश को स्थिरता का भरोसा दिलाया है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। मोहम्मद यूनुस आज दोपहर 2:10 पर ढाका पहुंचेंगे। बांग्लादेश में आज दफ्तर, स्कूल और अदालतें खुल जाएंगी क्योंकि देश से कर्फ्यू हटा दिया गया। वहीं जेल से रिहा होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया ने बड़ी रैली की। रैली में खालिदा जिया ने कहा कि देश का पुनर्निर्माण गुस्से या बदले से नहीं बल्कि प्यार और शांति से होगा। खालिदा जिया ने असंभव को संभव बनाने के संघर्ष के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। खालिदा जिया ने युवाओं के हाथ मजबूत करने की अपील की है, साथ ही कहा कि युवा हमारा भविष्य है, हमें उनके उस सपने को पूरा करने के लिए एक लोकतांत्रिक बांग्लादेश का निर्माण करने की जरूरत है जिसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान भी वर्चुअली रैली में शामिल हुआ।